दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है ताकि दुनिया की आधी आबादी मुख्यधारा के साथ कदम ताल कर सके। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे कई दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसी झलकियों पर एक नज़र। मुंबई सेंट्रल रेलवे की सुबह का नज़ारा बेहद दिलकश है। यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर सिर्फ महिला स्टाफ टिकटों की जांच कर रही हैं। महिला कर्मचारियों को आज इस काम की कमान सौंपी है भारतीय रेलवे ने, क्योंकि आज का दिन उसकी महिला स्टाफ के लिए बेहद खास है। वुमेन्स डे मैडम हैज इनिशिएटेड दिस पायलट प्लान फॉर ऑपरेटिंग दिस प्रीमियम ट्रेन ऑन शताब्दी विद फुल लेडीज स्टाफ। होप दिस वी आर ऑल हैप्पी टू हैव बी ऑन बोर्ड। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा है कि वुमेन्स डे में ये लोग वुमेन है हमारा चेकअप करने के लिए, ट्रेन की देखभाल करने के लिए। वंडरफुल। मुंबई सेंट्रल की तरह माटुंगा में पूरे स्टेशन के कामकाज की कमान आज महिला स्टाफ को सौंप दी गई है। वहीं विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने इस मौके पर 45 महिला पायलटों की भर्ती करके उनके सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की है। स्पाइसजेट ने 175 अभ्यर्थियों को बुलाया था, जिनमें से 45 महिला पायलटों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 10-12% पायलट्स हमारे वुमेन पायलट्स हैं, और हमें लगता है कि इस नंबर को कोई वजह ही नहीं है कि हम कोशिश ना करें कि कम से कम आधे वुमेन पायलट्स हमारे स्पाइसजेट में हों। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, वेरी गुड जेस्चर जो स्पाइसजेट ने किया है, एंड ऐसे अपॉर्चुनिटीज ऑफन मिलते नहीं है, स्पेशली इन इंडिया फॉर वुमेन इन इंडियन एविएशन, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये सिर्फ एक मिथक ही है कि महिलाएं पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में काम नहीं कर सकती, लेकिन अपनी कामयाबी के झंडे लहराती महिलाएं ऐसी धारणाओं पर करारी चोट कर रही हैं। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।